कहानी है एक बतख की जो एक जंगल में रहता था। पास ही के शहर में एक मेला लगा था। आज तो मेले में जाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। सुना है इस बार बहुत अच्छे झूले लगे हैं। मैं तो मेले में जाकर खूब खाऊंगा। बतख ने देखा कि वो मेले में जा रहे हैं, तो उसने सोचा वो भी उनके साथ ही चला जाएगा। वो खुश हो गया। मैं जाकर इनसे पूछता हूँ कि ये मुझे अपने साथ ले चले, फिर मैं भी मेले में जा सकूँगा। सुनो दोस्तों, क्या तुम मुझे भी अपने साथ मेले में लेकर चलोगे? तुमने अपनी शक्ल देखी है? कितने भद्दे दिखते हो। मुझे देखो, कितने अच्छे कपड़े पहने हैं मैंने। तुम्हें साथ में ले गए तो सब हम पर हंसेंगे। अरे तुम जाकर करोगे भी क्या? तुम तो मेरी तरह उछल कूद भी नहीं कर सकते। और तुम तो मेरी तरह फुर्तीले भी नहीं हो। तुम तो मेरी तरह डांस भी नहीं कर सकते। चलो छोड़ो भी, इसे साथ ले गए तो फिर पहुंच गए मेले में जरूर। चलो चलो, देर हो जाएगी। और क्या, हमें तो मस्ती करनी है, जल्दी चलो। बतख बेचारा उनके मना करने पर बहुत दुखी हुआ और वो निराश होकर वहाँ से चला गया। वो तीनों मेले में जाने के लिए आगे बढ़े तो रास्ते में नदी दिखाई दी। मुर्गे ने नदी में कदम रखा और वापस आ गया। फिर चूहे और बंदर ने भी कदम रखा और वापस आ गए, क्योंकि तीनों में से किसी को भी तैरना नहीं आता था। अब हम मेले में कैसे जा सकेंगे? मेले में जाने के लिए तो ये नदी पार करनी ही पड़ेगी। पार करे कैसे? हम में से तो किसी को भी तैरना भी नहीं आता। तैरना ना आने की वजह से तीनों नदी के किनारे पर ही बैठे रहे और निराश हो गए। तभी बत्तख भी वहाँ पहुँच गया। उसने उन तीनों को किनारे पर बैठे देखा तो वो हैरान हो गया। अरे क्या हुआ, तुम तीनों ऐसे मुँह लटका कर क्यों बैठे हो? तुम तो मेले में जा रहे थे ना? हाँ, पर हम नदी पार नहीं कर सकते। अच्छा तो ये बात है, ये काम तो मैं चुटकी में कर सकता हूँ, ये देखो। इतना कहकर बतख पानी में गया और उसने पानी में तैर कर उन तीनों को अपना करतब दिखाया। तीनों ये देखकर हैरान रह गए कि भले ही बतख उनकी तरह उछल कूद ना कर सकता हो, पर वो तैर सकता था। अरे वाह बतख, तुम तो कितने अच्छे से तैर लेते हो। तुम्हें तो पानी में खेलकर बहुत मजा आता होगा ना? हाँ, बहुत मजा आता है। क्या तुम हमें भी तैरना सिखाओगे? हाँ हाँ सिखा दूंगा, पर अभी मेले में नहीं जाना है क्या? जाना है। क्या तुम हमें भी नदी पार करवा सकते हो? देखो, हम तुम्हें मेले में ले जाएंगे। हाँ, और खूब मस्ती करेंगे। तुम दुखी मत हो, मैं तुम तीनों को नदी पार करवा दूंगा। और फिर बतख पानी से बाहर निकलकर एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर लाया। उसने उस पर एक रस्सी बांधी। उसने उसे नदी में गिराया और तीनों को उस पर खड़े होने के लिए कहा। एक एक करके तीनों उस लकड़ी पर चढ़ गए और फिर बत्तख ने रस्सी का सिरा अपनी चोंच से पकड़ा और तैरते हुए खींचकर उसे उस पार ले गया। ये लो, पहुंच गए तुम इस पार। शुक्रिया बत्तख, तुम नहीं होते तो आज हम मेला देखने नहीं जा पाते। हाँ, तुम भी हमारे साथ चलो, हम खूब मस्ती करेंगे। हमें माफ कर दो, हमने पहले तुम्हें मना कर दिया था ना, पर अब हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। हम मिलकर झूले झूलेंगे। बहुत कुछ खाएंगे, बहुत मजा आएगा, चलो ना। अच्छा चलो। उन्होंने पहले बत्तख को मना कर दिया था, पर उसके बावजूद भी बत्तख ने उनकी मदद की और तीनों उसे अपने साथ मेले में ले गए। बत्तख खुश हो गया और फिर सभी ने मेले में जाकर खूब मस्ती की।